नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है। हम अप्रैल मंथ की करंट अफेयर बात कर रहे थे। हम अप्रैल मंथ में अपॉइंटमेंट सेक्शन देख चुके थे, आज हम देखेंगे अवार्ड। हम इसमें इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट अवार्डों के बारे में देखेंगे। बहुत सारे ऐसे तो इस देश दुनिया में बहुत सारे अवार्ड हैं, अगर सभी को पढ़ने लगेंगे तो आप केवल पढ़ते रह जाएंगे, सिलेक्शन नहीं होने वाला। तो हम वही चीज़ पढ़ेंगे जो हमको एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, और ज़्यादा समय ना व्यक्त न करते हुए हम शुरू करते हैं अपना अवार्ड सेक्शन। फर्स्ट फर्स्ट अवार्ड सेक्शन में अगर बात करें तो इसमें हम लेंगे ट्यूरिंग अवार्ड। ट्यूरिंग अवार्ड 2023 प्रसिद्ध गणितज्ञ, क्या नाम है इनका, ए वी विक्टरसन, प्रोफेसर ए वी विक्टरसन, इनको मिला है ये ट्यूरिंग अवार्ड। ये गणितज्ञ है, ठीक। ये जो ट्यूरिंग अवार्ड है इसे कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। ट्यूरिंग अवार्ड को कंप्यूटर का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है, ठीक। भारत एवं दक्षिण एशिया में सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ अवार्ड, सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट स्टाफ अवार्ड इंडिया और कहाँ, साउथ एशिया, जीएमआर हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को मिला है। जीएमआर हैदराबाद में है, उसी को मिला है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक। दोहा के हमास अंतर्राष्ट्रीय अड्डे को विश्व का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा चुना गया है। करिए दोहा का तो अक्सर मोस्टली ये आता रहता है, ठीक। इसके बाद एडिथ एंड पीटर ओडोनेल पुरस्कार, प्रोफेसर अशोक वीर राघवन। एडिथ एंड पीटर ओडोनेल पुरस्कार किसको दिया गया है, अशोक वीर राघवन को। अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार, ये इंपॉर्टेंट है, अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार मीना चारंग को मिला है, लिखाने के मीना, ठीक। ये कलंगी कॉलेज की प्रिंसिपल है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में, दिल्ली में कलंगी कॉलेज की प्रिंसिपल रह चुकी है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से मीना को सम्मानित किया गया। मानस पाल्म डी ओर, जॉर्ज लुकास, हॉलीवुड फिल्म अभिनेता है मानस पाल्म डी ओर, तो पाल्म डी ओर से ध्यान रखिएगा, डी ओर लुकास। जॉन एल जैक जूनियर पुरस्कार 2024, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जॉन एल जैक जूनियर पुरस्कार 2024, क्यों, क्योंकि ये इसरो के चंद्रयान मिशन 3 के जो टीम थे उनको चुना गया इसके लिए, जॉन एल डे चेक जूनियर पुरस्कार 2024। अच्छा, टीम का नेतृत्व कौन कर रहे थे, तो डीसी मंजूनाथ। तो चंद्रयान 3 मिशन टीम, जो इसरो का चंद्रयान 3 मिशन टीम है उसको चुना गया किसके लिए, किए जॉन एल चेक जूनियर पुरस्कार 2024 के लिए, ठीक। टाइम पावर आइकन 2024, टाइम पावर आइकन का बात करें तो टाइम पावर आइकन 2024 में विजय जैन, PHN को चुना गया है टाइम पावर आइकन 2024, ठीक। अच्छा, इसमें जो जॉन एल जैक जूनियर पुरस्कार है ये ध्यान रखिएगा क्योंकि इम्पोर्टेंट, चंद्रयान इसरो के चंद्रयान 3 मिशन को चुना गया है, इस टीम का नेतृत्व करते थे डीसी मंजूनाथ। अगला प्रश्न अपन बात करें ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र, ऑन द स्पॉट यूनिट प्रशस्ति पत्र दिया गया है INS शारदा। ये डकैती विरोधी अभियान चलाया था इन्होंने, INS शारदा ने, तो उनको ये प्रशस्ति पत्र दिया गया, कौन सा, ऑन द स्पॉट। लता दीनानाथ मंगेशकर, इस मंथ का सेकंड थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट करंट, लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार ये दिया गया अमिताभ बच्चन एवं रणदीप हुड्डा, अमिताभ बच्चन रणदीप हुड्डा को, ठीक। टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार विजय जैन, द टाइम्स ग्रुप के द्वारा विजय जैन को दिया गया टाइम पावर आइकन 2024 पुरस्कार, ये भी हम देख चुके हैं पीछे, ठीक। अमेरिका का प्रेसिडेंट ऑफ द US वॉलेंटियर पुरस्कार, ये भी इम्पोर्टेंट है, अमेरिका का प्रेसिडेंट ऑफ द US वॉलेंटियर पुरस्कार 2024 भारत के जैन आचार्य लोकेश मुनि को दिया गया है। भारत के जैन आचार्य, क्या नाम है, लोकेश मुनि। एल्यूमिनियम स्टीवर्ड्स इनिशिएटिव प्रदर्शन मापन V3 प्रमाण पत्र किसको मिला है, तो बालको को मिला है, भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, बालको छत्तीसगढ़, जो कि वेदांता ग्रुप के अंतर्गत है, तो बालको एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड को क्या मिला है, एल्यूमिनियम स्टीवर्डशिप इनिशिएटिव प्रदर्शन मापन मानक V3 प्रमाण मिला है, ठीक। और ये भी यूपी के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, UPSC के लिए, SSC वाला पूछ भी सकता नहीं, लेकिन PSC के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर पुरस्कार
साउथ एशियन पर्सन ऑफ द ईयर को, ये है अवंतिका वंदनापू, अवंतिका वंदनापू, ये इंपॉर्टेंट है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अवंतिका वंदनापू याद रख सकते हैं आप। थैंक यू, आज के लिए इतना ही। हाँ, आप लोगों से एक अनुरोध है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग जैसे सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा, आप लोगों से हम्बली रिक्वेस्ट, प्लीज एंड लाइक कीजिए, थैंक यू।